परम गुरु हुजूर सरकार साहब, परम गुरु हुजूर सरकार साहब राधा स्वामी सत्संग के चौथे संत सदगुरु थे। इनका जन्म मंगलवार 12 दिसंबर सन 1871 ईस्वी को आधी रात के बाद हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्री कामता प्रसाद सिन्हा साहब था। इनके पिता का नाम राय कुलवंत प्रसाद सिन्हा साहब था और वे यूनाइटेड प्रोविंसेस की न्यायिक सेवा में थे। अपने बाल्यावस्था से ही सरकार साहब अपनी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि तथा अभूतपूर्व योग्यता के संकेत देने लगे। सरकार साहब की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र व असाधारण थी। यह शायद ही कभी अपने पाठों को दोहराते थे और एक बार पढ़ने के पश्चात उसे प्रत्युत्पन्न कर सकते थे। वह शतरंज के खेल में दक्ष थे और देश के शतरंज के पहले 7 खिलाड़ियों में गिने जाते थे। वह एक कुशल घुड़सवार थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। सरकार साहब ने मिडिल क्लास की एंग्लो वर्नाकुलर परीक्षा 14 वर्ष की आयु में पास की और सन 1889 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। सन 1889 में शांति एवं सांत्वना के लिए महाराज साहब के पास गए, जिन्हें वह जानते थे। महाराज साहब ने उन्हें आगरा जाने और वहां हुजूर महाराज के सत्संग जाने की सलाह दी। सरकार साहब को सन 1891 में उपदेश दिया गया। महाराज साहब ने सरकार साहब को हुजूर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं हुजूर महाराज के चरणों में पेश करने के लिए एक दुर्लभ भेंट लाया हूँ। सरकार साहब परम दयाल हुजूर महाराज के चरणों में नतमस्तक हुए। हुजूर महाराज ने अपनी आनंदमयी दया दृष्टि सरकार साहब पर डाली और फरमाया, अच्छा तुम आ गए, और उनका नाम स्वामी अवतार सिन्हा रखा। सरकार साहब जब बाद में आगरा तशरीफ लाए तो उन्होंने परम गुरु हुजूर महाराज के चरणों में 52 कड़ियों की एक हिंदी कविता, जिसका शीर्षक प्रार्थना था, पेश की और मधुर स्वर में पढ़ा, हे संतन सिरताज कृपाला। सरकार साहब ने सन 1898 में LLB की परीक्षा पास की। महाराज साहब के प्रस्थान कर जाने के बाद बहुत से सत्संगियों को आंतरिक अनुभव तथा अन्य संकेत मिले, जिससे उनको यह भावनात्मक रूप से विश्वास हो गया कि महाराज साहब ने उन्हें छोड़ा नहीं है और वह सरकार साहब के रूप में उनकी रहनुमाई, सहायता व संभाल के लिए मौजूद हैं। सरकार साहब ने सन 1911, 1912 और 1913 की गर्मियां मसूरी में बिताने की मौज फरमाई, जहां लोगों ने उनकी दया व मेहर प्राप्त की। सरकार साहब का विवाह बहुत छोटी उम्र में छपरा के सुप्रसिद्ध वकील रघुवंश सहाय की पुत्री के साथ हुआ था। उनकी धर्मपत्नी दुल्हन जी के नाम से जानी जाती थी। 6 दिसंबर 1913 तक पवित्र पोथियों का अखंड पाठ होता रहा। 6 तारीख की रात को सरकार साहब ने साहब जी महाराज को बुलवाया। साहब जी महाराज कमरे के बाहर रात भर इंतजार करते रहे, पर उन्हें सरकार साहब का संदेश ना मिला और लगभग 4 बजे प्रातः वहां से चले गए। सरकार साहब ने 7 दिसंबर 1913 को प्रातः 6 बजे अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। राधा स्वामी।